राधे राधे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम दिवाली के लिए कुछ DIY बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने ये कार्डबोर्ड ले लिया है और मैंने ये छोटे छोटे टुकड़े इसके कार्डबोर्ड के काट के रखे हुए थे, ये मैंने इनको इस पे चिपका दिया है। अब मैंने ये बाल पुट्टी का ये डो ले लिया, उससे मैंने ये किनारी इसकी साइड फिनिश कर दी। आप इसकी जगह डोरी भी लगा सकते हैं और अब मैंने इसको कलर करना शुरू कर दिया है। आप इसमें कोई भी रंग भर सकते हैं, बस ये कलरफुल होना चाहिए। आप अपने मन पसंद कोई भी रंग इसमें भर सकते हैं, सभी अच्छे लगेंगे। मैंने यहाँ पर ये लाल, पीला और हरा रंग इसमें इस्तेमाल किया है। मुझे ये कलर अच्छे लग रहे थे, थोड़े से चटकीले से, क्योंकि ये DIY हम दिवाली के लिए बना रहे हैं, तो ये रंग बिरंगे कलर बहुत ही अच्छे लगते हैं। लाल, पीले, हरे, ये सब रंग बहुत सुंदर लगते हैं। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था और ये मैंने इसमें नीचे काला रंग कर दिया था, इससे ये और भी ज़्यादा अच्छा दिखने लगा। और मैंने इसमें ये थोड़ी सी डिज़ाइन भी बनाई थी। अब हम दिवाली के लिए जब DIY बना रहे हैं तो थोड़ा ये मिरर का इस्तेमाल भी करना ज़रूरी है, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मैंने ये देखी, यहाँ पर इनको ऐसे लगा दिया है और ये मैंने चारों तरफ ये वाइट कलर से इनकी आउटलाइन कर दी है, इससे ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगे। मिरर लगा देने से इस DIY की सुंदरता और भी चार गुना बढ़ गई और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये मैंने साइड से भी इसमें ये इस टाइप की बिंदी बिंदी बना दी। बहुत ही आसान सा डिज़ाइन मैंने बनाया है यहाँ पर, इसको बच्चे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कार्डबोर्ड पड़ा है तो आप भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम समय में भी बनकर तैयार हो गया था और इसमें खर्च भी कुछ नहीं आया, बस थोड़े से कलर का इस्तेमाल किया है मैंने। ये सब चीज़ें जब हम मार्केट से ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही महंगी मिलती हैं, तो आप मार्केट से ना ख़रीद के कुछ घर में ही बनाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा और फ्री में आप अपने घर को सजा सकते हैं बिना पैसे खर्च किए, और वो भी बेकार पड़ी हुई चीज़ों से जिनको हम अक्सर फेंक देते हैं। और यहाँ पर मैं अब ये इसके लिए लटकन बना रही हूँ और ये मेरे पास कुछ बीड्स पड़े हुए थे तो मैंने ये इनसे बना लिया है और ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अब मैं इनको फटाफट से ऐसे बनाकर तैयार कर लूँगी सुई से। तो देखिए, यहाँ पर हमारी सारी लटकन बनकर तैयार हो गई हैं और अब हम इनको लगाना शुरू कर देते हैं। उसके लिए हमने वापस से ये ले लिया है कार्डबोर्ड और हम इस पे ये लगा देंगे। मैंने इन सबको नॉर्मल जो टेप होती है चौड़े वाली, उसी से चिपका दिया था क्योंकि इनमें कोई भी वजन नहीं है, तो ये इतने आसानी से इसी से चिपक गए थे और मैंने इससे इसको चिपका दिया। और देखिए यहाँ पे इसका फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है ये, और ये फेस्टिवल के लिए एकदम बहुत ही अच्छा DIY है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट DIY बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ये ले लिया है कार्डबोर्ड का एक बेकार बॉक्स और ये मैंने इसके कार्डबोर्ड के टुकड़े इस पे इस तरह से चिपका दिए हैं। और यहाँ पर इस तरह से चिपका लेने के बाद हम इसकी साइड को जूट की डोरी से फिनिश कर देंगे। आप इसकी जगह कोई भी लेस या और भी डोरी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये जूट की डोरी का इस्तेमाल किया है, ये इजीली मार्केट में मिल जाती है। और देखिए, मैंने इसको यहाँ पर ऊपर की साइड भी इसकी को लगा दिया है। अब हम इसमें कलर करना शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर मैंने ये वाइट कलर इस पर नीचे कर दिया है, जिससे मैं इस पर अब दूसरा कलर करूँगी तो और भी ज़्यादा ये चमकदार दिखेगा। और मैंने ये रेड कलर कर लिया है यहाँ पर, और ये ऊपर की साइड मैंने ऑरेंज कलर यूज़ किया है, और यहाँ पर मैं ये वापस फिर से रेड कलर कर दूँगी। अब थोड़े से मिरर का भी इस्तेमाल यहाँ पर हम करेंगे, इसमें ये मैंने पीला रंग भर दिया है, मिरर लगा देंगे तो ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा इस तरह से। अब मैं ये डॉट डॉट बना दूँगी, इसके लिए मैंने ये पतली वाली कैंडल ले ली थी, उससे मैंने ये डॉट डॉट बना दिए थे, आप ईयरबड से भी बना सकते हैं। और ये मैंने लेस लगा दी है इसमें, आप इसकी जगह कोई और भी लेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इस पे ये डिज़ाइन बनाना शुरू करती हूँ। उसके लिए मैंने ये कलश बना लिया है और ये
इस पे पत्ती इस तरह से मैंने ग्रीन कलर की बना दी हैं। और ये कलर्स के अंदर मैं थोड़ा सा डिज़ाइन बना दूंगी हल्का फुल्का, और ये बच्चे भी आसानी से बना लेंगे, इतने आसान सा डिज़ाइन है। और ये ऊपर की साइड थोड़ा सा प्लेन दिख रहा था और नीचे की साइड, तो मैंने इस पर भी थोड़ी हल्की सी डिज़ाइनिंग कर दी थी, ये डॉट डॉट बनाकर मैंने ये थोड़ा सा डिज़ाइन और बना दिया था इसमें सिंपल सा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, दोनों DIY में से आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपको आगे भी ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। राधे राधे दोस्तों।